Assalamu alaikum everyone, kaise hain aap log? Welcome to another vlog. Aur vlog start hone se pehle sabse pehle aap logon ko happy independence day of Kuwait. To like aaj ke din hala for birth ka ki celebration thi. To ye meri na university mein thi ye celebration. And jab university mein ye hamara event hona tha to usse pehle na like hum sabko na message aaya tha ki na event hai to इस दिन हमने आने अब जो हला फरवरी था वो था संडे को और मंडे लाइक एक दिन सेलिब्रेशन डे और एक दिन हला फरवरी तो 25th एंड 26th को था तो उस दिन ना फिर मतलब पूरे कोयल में ना ऑफ था और लाइक फिर फ्राइडे सैटरडे भी ऑफ ही होता है तो इस दिन ना फिर हमारी जो सेलिब्रेशन हुई इतना ये जो इवेंट था ये यूनिवर्सिटी में ये ना फिर थर्सडे के दिन हुआ था एंड बाई चांस उस दिन ना मेरी वहाँ पे क्लास थी मेरी यूनिवर्सिटी में ना क्लास थी तो हमें मैसेज भी आया था तो मैं ना फिर यूनिवर्सिटी गई वहाँ पे मेरी क्लास हुई तो अब हमें ये पता था कि यहाँ पे इवेंट है तो अब उस दिन मुझे ये पता था कि इवेंट है लेकिन अब मुझे ये नहीं पता था कि किस साइड पे होगा मुझे लगा क्या पता वहाँ पे कोई ऑडिटोरियम हो वहाँ पे इवेंट हो तो ऐसे करके ना मुझे बस ये था तो फिर ना मैं जा रही थी मैंने पहले पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढा कि कहाँ पर होगा अब हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसकी ना टू बिल्डिंग्स हैं लाइक एक फीमेल साइड की और एक मेल साइड की है तो ऐसे करके लेकिन हम वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि मेल साइड में ना वहाँ पे हमारी ना वहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है लाइक मिनी मार्केट है तो वहाँ पे ना सब लोग जाते हैं और हमारी क्लासेस भी उस साइड पे हो सकती हैं लेकिन मेरी नहीं है तो लाइक मतलब कंबाइन है बस ना दो दो बिल्डिंग्स उन्होंने अलग से बनाई हुई हैं तो लाइक मैंने ना पहले अपनी बिल्डिंग में मैंने देखा तो वहाँ पर ना कुछ भी नहीं था वहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था कि यहाँ पर कोई इवेंट होगा तो लाइक मैं दूसरी बिल्डिंग में गई वहाँ पर कोई भी नहीं था लिटरली वहाँ पर पूरी वो बिल्डिंग खाली थी मैंने वहाँ पे ना लाइक मैं ना वहाँ पे जो मार्केट थी मैं वहाँ पे गई तो उसके आसपास भी ना वहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे सिर्फ मैं थी और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे बस वही तो मैं ये सोच रही थी कि सब लोग इवेंट पे गए होंगे तो इवेंट होगा कहाँ पे तो लाइक मैं ना फिर वहाँ से उसी बिल्डिंग के अंदर ना मैं एक जगह पर गई थी तो वहाँ पर लाइक उसका डोर ओपन था और वो ना अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा हॉल है तो मुझे लगा कि वहाँ वो ऑडिटोरियम है और वहाँ अंदर कोई हो रहा होगा फंक्शन तो मुझे लगा कि अब तो इनका अपना प्राइवेट फंक्शन हो ऐसे करके ना मुझे ऐसे था कि मतलब ओनली बॉयज़ का होगा तो क्योंकि फिर ना उसके बाद फिर ना मैं ऐसी वहाँ से बाहर आई थी मैंने कहा चलो मैं अपनी बिल्डिंग में चली जाती हूँ लाइक जो फीमेल साइड है मैं वहाँ पर जा रही थी तो मैं जा रही थी मैंने ऐसी रास्ते में देखा कि तो जब मैं जा रही थी तो वहाँ मैंने रास्ते में देखा वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा चेयर्स थी और लाइक जैसे कि वहाँ पे अरेंजमेंट्स हो रही थी ऐसे करके मुझे लगा तो मैं ना फिर वहाँ पे गई वहाँ से ना मैंने फिर देखा आगे ना इतनी डेकोरेशन थी मैंने कहा यहाँ पे इवेंट हो रहा है और लाइक ये जो पूरा एरिया था ना ये पूरा एरिया ये पार्किंग थी लाइक यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी में ना 2-3 साइड है पार्किंग की और ये वाली आई थिंक एक ही साइड थी पार्किंग की तो ना यहाँ पे इन्होंने सारी वहाँ से ना पार्किंग इन्होंने ब्लॉक की हुई थी कि यहाँ पे ना पार्किंग नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ना सारा इवेंट यहाँ पे था सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे थी और हर जगह पे यहाँ पे ना कुवैत के फ्लैग्स मतलब यहाँ पे इतने तो इन लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे इतने ज़्यादा थे एंड इवन कि यहाँ पे गेम्स भी थी एंड देसी गेम्स भी वहाँ पे थी मतलब देसी स्टॉल भी लगा दो मुझे वो देखी थी खुशी थी कि यहाँ पे देसी स्टॉल भी है और वहाँ पे उस स्टॉल में ना सारे पाकिस्तानी थे और वहाँ पे लाइक लूडो थी और कैरम बोर्ड थी तो कि वहाँ पे आगे ये गेम्स खेले एंड आई थिंक वो फ्री था तो यहाँ पे फिर कुवैत के फ्लैग्स थे और कुवैत के बैजेस भी मिल रहे थे एंड कुवैत का मफलर भी तो मैंने मफलर लिया था फ्लैग लिया था और मैंने बैजेस भी लिए थे मैंने सब कुछ लिया था तो और फिर ना एक और मैं ना गई थी स्टॉल में एंड वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी लाइक मोबाइल केसेस मिल रहे थे एंड और भी इतनी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और यहाँ पे इवन के इन्होंने यहाँ पे ना फूड कोर्स भी लगाए हुए थे तो अब ये था फूड डाइट वाला था और लाइक तालाबात वाला ये सब कुछ यहाँ पे था और लाइक मुझे इतना अच्छा लगा था लाइक इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की थी हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी लिटरली मैंने ऐसा लाइक ऐसी सेलिब्रेशन मैंने कभी कहीं नहीं देखी थी तो लाइक हला फरवरी ना मैंने काफ़ी बार सेलिब्रेट किया जब मैं छोटी थी ना तो मैंने बहुत बार सेलिब्रेट किया था लाइक मैं अपने चाचों के साथ जाती थी लाइक हम सारे कज़न्स जाते थे तो हम लोग बाहर जाते थे और बाहर इतनी लाइटिंग उन्होंने की होती है ना रात के वक्त बहुत प्यारा लगते हैं क्योंकि हर जगह अपना लाइटिंग होती है तो उस वजह से तो हमने ना तब मैंने बहुत बार सेलिब्रेट किया हुआ मैंने बहुत बार देखा हुआ है बाहर जाके तो इस बार ना मैंने सोचा था कि मैं ना हला फरवरी सेलिब्रेट करूँगी और मुझे नहीं पता था कि हम मैं कभी इस ऐसे इवेंट पर जाऊँगी एंड लिटरली हमारी यूनिवर्सिटी में इवेंट हुआ था और बहुत अच्छा इन्होंने किया था बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी
लाइक मुझे तो यहाँ पे इतना मज़ा आया था, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था। और ये वाले स्टॉल्स है ना, ये ना फिर दूसरी साइड पे लगे हुए थे, लाइक जहाँ पे दूसरे वाले स्टॉल जहाँ पे बाकी स्टॉल्स है ना वो एक और साइड पे थे और ये दूसरी साइड पे थे, लाइक पार्किंग की दूसरी साइड में। और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी लोग वो कर रहे थे, सेल कर रहे थे। और इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स ना, ये सारी हैंडमेड थी। और यहाँ पे स्वीट डिशेस भी थी, डिज़र्ट भी था, काफ़ी चीज़ें थी। और यहाँ तक कि यहाँ पे परफ्यूम्स भी लोग सेल कर रहे थे एंड इतर भी। और ये मसाले भी सारे, लाइक लोगों ने मसाले भी यहाँ पे रखे थे, मैं इतने हैरान थे मसाले भी सेल कर रहे हैं। तो कुछ पाकिस्तानी मसाले थे और कुछ दूसरे। और ज्वेलरी भी इतनी अच्छी थी, इधर ज्वेलरी में एक ब्रेसलेट था वो मैंने ना काफ़ी बार देखा है, तो मैंने ना इंस्टाग्राम पर भी देखा था। लाइक एक ये बहुत बड़ा ब्रांड है ये, के कोई 59 KD का या फिर 50 KD का ना वो था। और जो उसकी कॉपी है ना वो फिर थोड़े KD में थी। और यहाँ पे आई थिंक 8 KD का था ब्रेसलेट, तो कि वो इतना एक्सपेंसिव क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। और मुझे वाला ब्रेसलेट बहुत प्यारा लगता है, मैंने ना काफ़ी बार वो देखा हुआ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था, तो मुझे वो ब्रेसलेट बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे और भी पेंटिंग्स थी और ये सब कुछ हैंडमेड था, लाइक बहुत अच्छा था ये। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे ना मेजॉरिटी ना कुवैतीज़ की है, यहाँ पे ज़्यादातर कुवैती ही पढ़ते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ना पाकिस्तानी ना बहुत कम देखे हैं एंड नॉन कुवैती भी मैंने बहुत कम देखे हैं। लाइक इस यूनिवर्सिटी में ना 95% ना कुवैती हैं। मेरी क्लास में से भी कुछ लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर पढ़ती हैं, तो और भी मैंने पाकिस्तानी देखी हैं लड़की, लेकिन यहाँ पर ना ज़्यादातर ना यहाँ पर कुवैती ही होते हैं। और जो ये वाला इवेंट था यहाँ पर भी, हर जगह पर कुवैती ही कुवैती थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे। यहाँ पे मैंने ना बस जो पाकिस्तानी देखे थे वो मैंने देसी स्टॉल पे देखे थे, और यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आए थे कहीं पर पाकिस्तानी। लेकिन और यहाँ पे ना लाइक क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पाकिस्तानी के, और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए हुए थे ना वो भी ज़्यादातर ना कुवैतीज़ ने लगाए हुए थे। और यहाँ पे ना एक जगह पर वहाँ पर बीड्स भी मिल रहे थे, लाइक फिर मैंने ना जाके वो लिए थे। लाइक वो क्या होता है कि ना उस एक लड़की सेल करी थी, तो उसने ना फेस पर लगा के दिए थे ऐसे करके था, और वो कोई रूपा या नुस्खे थे, तो फिर ना मैंने वो लगवाए थे फेस पे और इतने प्यारे लगे थे ना, लाइक बहुत अच्छे लगे थे। मुझे तो वो बीड्स इतने पसंद है, लाइक मुझे ना था कि मैं ये लगाऊंगी, तो मैंने जाके वो फिर लगवाए। और लाइक यहाँ पे फिर और भी चिप्स जूसेस ये सब कुछ भी यहाँ पे था, एंड यहाँ पे कॉफ़ीज़ भी थी, कॉफ़ी का एक अलग से स्टॉल भी था। और यहाँ पे मतलब हर स्टॉल पे ना कॉफ़ी भी थी, लाइक जो इनका होता है अरबी कॉफ़ी, गावा, ऐसे वाली जो होती है ना, ये सारी चीज़ें थी, ये वाली कॉफ़ीज थी। तो मैंने वहाँ से एक ली थी, मैंने आई थिंक गावा लिया था, तो मैंने वो लिया था, उसने इतने छोटे से कप में डाल के दिया था, ग्लास था, उसने इतने छोटे से ग्लास में डाल के दिया था। तो मैंने जब वाला टेस्ट किया ना, मुझे बिल्कुल भी उन्हें पसंद आया था, क्योंकि वो इतना कड़वा होता ना, बहुत कड़वा होता है। इनकी जो होती है ना कॉफ़ी और गावा जो होता है, ये ना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, क्योंकि ये लोग ना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी यूज़ करते हैं, दैट्स वाई। तो फिर ना मैंने वो फिर जाके फेंक दिया, मैंने थोड़ा सा पिया था बस। और फिर ना यहाँ पे लाइक इन्होंने यहाँ पे कराटे भी हो रहे थे, यहाँ पे इवन के कराटे भी थे, लेकिन वो आई थिंक ओनली फॉर बॉयज़, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था सिर्फ ना वो जो लड़के थे ना वही कराटे खेल रहे थे। और फिर यहाँ पे इन्होंने जो कार थी वो इन्होंने ऐसे यहाँ पे अरेंज करके खड़ी की हुई थी, और हर कार के ऊपर फ्लैग था, हर कार के ऊपर फ्लैग लगे हुए थे कुवैत के, और यहाँ पे ये कराटे हो रहे थे। मुझे इतनी हैरत थी कि यहाँ पे ये भी होती है, मतलब इन्होंने हर गेम इन्होंने रखी हुई थी, हर तरह की गेम्स रखी हुई थी। अब यहाँ पे ना कराटे भी थे, तो मैंने वहाँ पे थोड़े से देखे थे, मतलब खड़ी होकर मैंने थोड़ी देर देखा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि अगर किसी ने यहाँ पे आके कराटे खेलने हैं तो फिर उनको बोला सूट देते तो वो पहनते थे और फिर उसके बाद खेलते थे ये। और यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए थे, उन्होंने कुवैत के फ्लैग के ड्रेसेस पहने हुए थे और इतने प्यारे लग रहे थे, और ज़्यादातर ना लड़कियाँ थीं। उसके बाद फिर वहाँ पे रोज़ेस भी थे, मैंने ना वहाँ पे पहले इतनी लड़कियों को देखा था कि वो रोज़ेस लेके जा रही थी, मैं देख रही थी कि ये कहाँ से लेके जा रही है, कि मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आए। तो उसके बाद फिर ना मैंने देखा कि एक स्टॉल पर ना वहाँ पर इतने ज़्यादा रोज़ेस लेके आए, तो फिर मैंने वहाँ से मैंने दो लिए थे रोज़ेस। तो और छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी, ये इतने बड़े बड़े फ्लैग्स लेके घूम रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे तो वहाँ पर।
इतना एंजॉय मैंने वहाँ भी किया ना। और स्टार्टिंग में वहाँ पे ना वो छोटे छोटे से बुके थे फ्लावर्स के, तो मैंने वहाँ से एक बुके भी लिया था। इतना क्यूट था वो बुके, मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने फर्स्ट टाइम इतना प्यारा बुके देखा था। और फिर उसके बाद ना उसके बाद और वहाँ पे काफ़ी जगहों पे ना स्पीकर्स भी लगे थे, क्योंकि वहाँ पे फिर अरबिक वहाँ पे म्यूज़िक थे, सॉन्ग्स अरबिक सारे। और उसके बाद रात को फिर हम लोग गए थे अहमदी गए थे, और वहाँ पे ये सारी लाइटिंग लाइटिंग थी हर जगह पे, लाइटिंग इतनी प्यारी लाइटिंग होती है ना यहाँ पे, लाइक जो कुवैती एरियाज होते हैं ना वहाँ पे बहुत प्यारी लाइटिंग होती है। पहले हम लोग रहते थे अहमदी में रहते थे, तो तब तो हम लोग रोज़ ही देखते थे, हला फरबरा के दिनों में ना हम लोग रोज़ देखते थे। तो फिर अब हम यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे भी जो कुवैती बिल्डिंग्स हैं ना और जो उनके घर हैं, उन्होंने अपनी ना पूरी बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े फ्लैग लगाए हुए होते ना। मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, वरना मेरा दिल था कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं भूल गई। हमारा जो स्कूल था वहाँ पे भी लिबरेशन डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कभी सेलिब्रेट नहीं होता जैसे इस यूनिवर्सिटी में होता है। लिटरली ऐसा वाला ऐसी सेलिब्रेशन मैंने ना कभी किसी स्कूल में नहीं देखी। और यहाँ पे इवन के जो यहाँ पे सूरज थी ना ये यूनिवर्सिटी में, वो भी ना उसके ऊपर भी कुवैत का फ्लैग बना हुआ था, लाइक सारी ना वो बस इन्हीं कलर्स की थी, तो मुझे तो इतनी अच्छी लगी थी। वैसे मैं कोई थी सूरज खाती तो नहीं हूँ, लेकिन ना कुछ वहाँ पर बहुत मज़े की भी थी, मैंने टेस्ट की थी। एक थी स्वीट, वो ना ऐसा रहता जैसे गुलाब जामुन है, बट वो कुछ और था इनका अपना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।